नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल डीके टिकला में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपको एक मॉस्किटो किलर बना के दिखाऊंगा। इस तरीके की एक डिब्बा लेना है आपको, जो भी आपके पास हो। उसके बाद फ्रेंड्स, आपको फ़ैन लेना है, एक फ़ैन जो होता है ना, एग्जिट फ़ैन। तो ये मेरे पास काफ़ी सारे फ़ैन हैं अलग अलग साइज़ के, जो भी आपके साइज़ का लगे या जो भी आपके पास हो तो वो आपको ले लेना है। मैं इस तरीके का एक फ़ैन ले लूँगा, ये पुराना फ़ैन है। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे ये मैंने डिब्बा ही क्यों लिया है, तो मैं चाहता तो कार्डबोर्ड से भी बना सकता था। लेकिन फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि कार्डबोर्ड इसमें इतनी अच्छी तरीके से फिट नहीं बैठ रहा था जितनी अच्छी तरीके से ये है। ये बिल्कुल इसके साइज़ का है, आप देख सकते हो, जो इसका फ़ैन का साइज़ है वही इसका सेम साइज़ है। तो आपको यही लेना है अच्छी तरीके से। और इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा ये जाली का लिया हुआ है मैंने, आप कोई भी जाली ले सकते हो या आप कपड़ा ले सकते हो, नेट होता है जो वो वाला। तो सबसे पहले हम इस जाली को फिट करेंगे इसके अंदर, तो इसके साइज़ का यहाँ पे कट कर लेंगे हम। तो कट करने से पहले हमको मार्क करनी होगी ये मार्किंग, तो मैं मार्किंग कर लूँगा पेन से। आपको ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, छोटा सा ही कट कर लेना है, जिससे इसकी हवा निकल जाए और इससे मच्छर नहीं निकलेगा, केवल हवा ही निकलेगी। तो इस तरीके से ये मैंने मार्क कर लिया है, अब काट दूंगा इसको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये मार्किंग करने के बाद आपको अच्छी तरीके से इसको कट करना है, बिल्कुल इसके साइज़ का ही, जाली से थोड़ा कम, जिससे इसकी हवा निकलती रहे। तो इस तरीके का मैं एक चाकू ले लूँगा और इससे कट कर दूंगा इसको, बहुत ही ईजीली ये कट हो जाएगी। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रहे ये बहुत ही पहना होता है, तो आपके हाथ में ना लगे कहीं। तो इस तरीके से इसको कट करना है। फ्रेंड्स, ये पार्ट कट हो जाने के बाद अपना ये डिब्बा है कुछ इस तरह का हो गया है। इसके बाद इसकी जो जाली है इसको हम लगा लेंगे यहाँ पे ग्लू गन की मदद से। आप यहाँ पे फेविकॉल का भी यूज कर सकते हो, लेकिन वो इतना अच्छा वर्क नहीं करेगा। और आपको ये जाली 1-2 रुपये की मिल जाएगी, बहुत ही छोटी सी है। और नहीं मिले तो आप कहीं से भी काट लेना, अपनी खिड़की वगैरह से, वो जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो इस तरीके से ये मैंने चिपका ली काफ़ी अच्छी तरीके से। और इसके अंदर आपको अच्छी तरीके से ग्लू लगा देनी है, जिससे इसके अंदर से मच्छर बाहर ना निकलें, यानी कोई इसमें जगह नहीं छोड़ देनी है, केवल हवा इससे निकल पाए। आपको मैं अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ और सस्ते से सस्ते में बना के दिखा रहा हूँ। चाहता तो फ्रेंड्स मैं MDF बोर्ड का भी बना के दिखाता आपको, लेकिन काम वही करेगा सेम, बस आपका टाइम फालतू लगेगा उसे बनाने में और पैसे भी ज़्यादा खर्च होंगे, तो इस वजह से मैं आपको इसको बना के दिखा रहा हूँ। इसके बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको क्या करना है कि ये ऐसे रखेंगे तो ये बिल्कुल ज़मीन पर सट जाएगा, तो इसके अंदर से हवा पास नहीं होगी। तो हवा पास कराने के लिए मैं यहाँ पे इस तरीके की कुछ लकड़ी लूँगा और उनको इसके कोनों पे चिपका दूंगा अच्छी तरीके से ग्लू की मदद से, जिससे कि इसके अंदर से हवा पास होती रहे। और फ्रेंड्स, मैं हर बात आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाता हूँ, जिससे आपके माइंड में कोई क्वेश्चन न रहे। लेकिन फिर भी आपके माइंड में इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और फ्रेंड्स, अधिक जानकारी के लिए या आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे WhatsApp ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे बहुत सारे भाई हैं जो आपके तुरंत रिप्लाई कर देंगे, आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी उसका तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। WhatsApp ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और मेरे से डायरेक्ट जुड़ने के लिए आप मेरे को Instagram पे फॉलो कर सकते हैं, Instagram ID अकाउंट है जो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये मैंने फ्रेंड्स इसके चारों जो पैर हैं जिन पर ये खड़ा होगा अच्छी तरीके से वो लगा दिए। अब इसके अंदर नीचे जगह रह जाएगी, इसके देखिए आप, इसके अंदर जगह रहेगी तो इससे हवा बहुत ही अच्छी तरीके से पास होती रहेगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर लगानी है हमको LED फ्रेंड्स। तो इसके अंदर मैं 2 LED इसके अंदर लगाऊंगा, तो LED को आपको क्या करना है, थोड़ा सा छेद करके इसके अंदर फ्रेंड्स, इसके अंदर जो LED आपको इस तरीके से फंसानी है जैसे ये मैंने फंसाई है, जिससे इसका जो फोकस है वो नीचे की तरफ जाए। और आपको इसके बाद इस पर ग्लू लगा देना, जिससे ये खुले नहीं आपकी LED। और सेम उसी तरह दूसरी वाली को भी लगाना है। तो ये मैंने दोनों LED इसके अंदर अच्छी तरीके से फंसा दी। और इसके बाद आपका जो पंखा है इसको लगाना है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले एक बात बताई थी इस पर वीडियो में शुरू में, कि इससे खुशबू आएगी, खुशबू। तो खुशबू के लिए आपको इसके अंदर क्या करना है, एक इस तरह की कॉटन डाल देना है। और मैं आपको बताऊंगा कि इस पे ऊपर से आपको क्या डालना है। तो आपको पहले पंखा सेट कर लेना है और इस कॉटन को LP की मदद से अंदर की साइड ही चिपका देना है। तो मैं यहाँ पे इस LP को या टेप लगा सकते हो। और इसके अंदर एक लिक्विड बताऊंगा आपको, वो डालना है, जिससे इसके अंदर से बहुत अच्छी गुलाब की खुशबू आती रहेगी। यहाँ पे ये मैंने लगा दी हाथ से। इसके बाद फ्रेंड्स, अपना जो पंखा है उसको लेना है। और इसको एक बात ध्यान में रखना है कि इसकी जो हवा है वो अंदर की साइड जाए, यानी ऊपर से खींचे और डिब्बे में से होके इधर से निकाल दे, जिससे कि मच्छर इसके अंदर आ जाए
और आपको बहुत ही इजीली बता रहा हूँ मैं, कोई हार्ड ट्रिक नहीं है, आप घर पे बना सकते हो। बिल्कुल अच्छी तरीके से लगाना है, इस तरीके से ग्लू लगा के और ये एकदम अच्छी तरीके से सेट कर देनी है जिससे ये खुले नहीं फ्रेंड्स। और इसकी जो साइड है ना ये थोड़ी थोड़ी रह गई है, आप इस पर कोई कागज़ वगैरह भी लगा सकते हो जिससे हवा बाहर न निकले, बिल्कुल अंदर ही जाएगी। मैं इसको भी बता दूंगा एक बहुत ही अच्छी ट्रिक। इसके बाद आपको इसके कनेक्शन करने हैं, लेकिन कनेक्शन से पहले हम इसमें और लाइट लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक इस तरीके का पीवीसी पाइप लिया है और वो इस तरीके की चौड़ा लिया है और इस पीवीसी पाइप को मैं यहाँ पे सेट कर दूंगा ग्लू की मदद से। लेकिन पहले इसको बेंड कर लेता हूँ, ये गर्म करके आपको बेंड कर लेना है, बहुत ही ईजीली ये बेंड हो जाएगा इस तरीके से। ये देखिए कितनी ईजीली बेंड हो गया। और जो हमने ये बेंड किया है ये हमको इस तरीके से लगा लेना है अपने इस पंखे पे, एग्जॉस्ट फैन है ये, इस पर अच्छी तरीके से ग्लू की मदद से। तो मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और आपको एकदम हर बात समझा के चल रहा हूँ। वीडियो बेशक कितनी भी बड़ी हो जाए उसकी कोई टेंशन नहीं रहती मेरे को, लेकिन आपकी समझ में आना चाहिए। तो इस तरीके से ये मैंने लगा लिया है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको ये LED बल्ब ले लें और इन LED बल्ब को आपको थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ से घिस लेना है जिससे कि इसका फोकस ना बने और लाइट चारों तरफ फैले, जिससे कि आपके यहाँ पे मच्छर अट्रैक्ट हो, इस तरीके से घिस लेना है। इस तरह घिसने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि इन सभी को इसके अंदर की तरफ लगाना है यहाँ पे। तो आपको ये ग्लू की मदद से चिपका लेने, काफ़ी अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। और इनको जो पोलैरिटी है वो आप इनको ध्यान में रखनी है कि पॉजिटिव पॉजिटिव एक साइड और नेगेटिव नेगेटिव एक साइड। इस तरह लगने के बाद फ्रेंड्स आपको इनके कनेक्शन कर देने हैं, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास और नेगेटिव नेगेटिव एक पास जोड़ देने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं दो वायर ले लूँगा और इनको सभी को बल्ब को पैरेलल में कनेक्ट कर दूंगा, मीन्स पॉजिटिव पॉजिटिव पांचों बल्ब का, यानी तीन ऊपर वाले और दो नीचे वाले बल्ब का पॉजिटिव पॉजिटिव एक पास और नेगेटिव नेगेटिव एक पास कर दूंगा। तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले तो कर लिए, नीचे वाले के भी कनेक्शन कर दूंगा जल्दी से। इस तरीके से फ्रेंड्स इसकी जो 500 LED हैं इसके कनेक्शन हो चुके हैं। अब जो अपने फैन का वायर है उसका, फैन के वायर को हम LED के नेगेटिव के साथ डायरेक्टली जोड़ देंगे। और पॉजिटिव को जोड़ने के लिए फ्रेंड्स हमको जो अपनी LED है उसमें 1 kΩ का रेजिस्टेंस, आप इसकी वैल्यू देख सकते हो, कलर कोड लेना है और यह आपको रेजिस्टेंस LED के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। LED जो है वो 3 वोल्टेज पर वर्क करेगी, तो इसे हम 12 वोल्टेज देंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। इसके बाद जो अपनी फैन की वायर है उसको रेजिस्टेंस के दूसरी साइड लगा देंगे और इसी साइड को आपको एक फीमेल कनेक्टर लेना है और इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देना है फीमेल कनेक्टर के, जिसे हम अपनी पावर सप्लाई से देंगे इसे करंट। और नेगेटिव को भी आपको इसके डायरेक्ट जोड़ देना है। एक वायर ले लूँगा मैं यहाँ पर इस तरीके का और इसको आपको कहीं चिपकाना है अच्छी तरीके से, मैं बता दूंगा आपको पूरी वीडियो में, लास्ट तक बने रहना। और इसको नेगेटिव को अपनी LED पे चिपका देंगे, लगा देंगे मेरा मीन्स। फ्रेंड्स इसके बाद अपना ये मैंने आपको सारे कनेक्शन बता दिए। इसके बाद हम इसको एक यहाँ पे इसके कोने पे एक्सटेंट ग्लू के जरिए इसको चिपका लेंगे अच्छी तरीके से। फ्रेंड्स इस पर लगा देनी है आपको जिससे ये छूटे नहीं। और इसके बाद मैं आपको इसकी वर्किंग वगैरह बताऊँगा कि ये कैसे वर्क करेगा। अब इसको फ्रेंड्स इस तरीके से ये बन गया, लेकिन इसके ये वायर दिख रहे हैं, इनको ढकने के लिए मैं यहाँ पे जो ये टेप आता है डेकोरेशन वाला, आपको ये टेप लगा देना है जिससे अच्छा दिखेगा पूरे पे इस तरीके से। और आपको सभी को लगेगा कि ये बाज़ार से बनाया हुआ ख़रीदा है। और जो जो इसकी खाली जगह थी फ्रेंड्स उस पर भी इसको अच्छी तरीके से टेप लगा देना है आपको। फ्रेंड्स ये जो अपना मॉस्किटो किलर है एकदम बन के कम्प्लीट है और ये इसकी यहाँ से थोड़ी थोड़ी साइड रह रही थी, इसको मैंने अच्छी तरीके से सील कर दिया है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इससे खुशबू कैसे आएगी, तो इसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ गुलाब जल का। आप इत्र का भी यूज कर सकते हो और इसमें जो कॉटन लगाई थी पीछे की साइड से उसको डालना है थोड़ा थोड़ा, एक दो बूंद, ठीक है, इसके अंदर चली जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इसमें से गुलाब जल की खुशबू आने लग जाएगी आपको। तो ये हो गया इसका जुगाड़, अब करेंगे इसको हम फाइनल टेस्ट फ्रेंड्स। तो पहले मैं इसमें देखिए आपको पंखा चला के दिखा दूँ, तो ये मैंने 12 वोल्टेज का एडिप्टर लिया है और इसमें मैं प्लग इन कर दूंगा यहाँ पर। तो ये देखिए अपना पंखा चलने लग गया और इसके अंदर जो लाइट लगाई थी वो भी जल रही है, ऊपर की भी जो ब्लू लाइट है वो जल रही है। आपको अपनी लाइट बंद करके दिखा दूं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी जो अंदर कितनी अच्छी तरीके से ब्लू लाइट है। और ये भी अपना जो डिब्बा है वो पूरा ब्लू कलर का है, तो इससे ब्लू कलर पर आपको पता है मच्छर अट्रैक्ट होगा और इसके अंदर आएगा और ये पंखा इसको अंदर खींच ले जाएगा और इसमें आके फंस जाएगा जाली पे। आप देख सकते हो अंदर की भी लाइट दिख रही होंगी, तो कितना अच्छा दिख रहा है ये। और मैंने इस पे जो टेप है इससे इसकी चमक और बढ़ जाएगी, तो मच्छर और जल्दी अट्रैक्ट होंगे।
तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो फ्रेंड्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, चैनल न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।